18 की होने वाली हो फिर चल रही हो ना, तुम्हारा NIC बनवाना है और ये रिंग मैं मलाइका को देने जा रहा हूँ। Birthday to you. The wait is over now. Malaika, come here. मैंने कोट पहन लिया क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। Guys, this is me, Tairang Warrior. Welcome back to my new vlog. नहीं यार, energy नहीं आई वापस। Hey guys, this is me, Tairang Warrior. Welcome back to my new vlog. आज का vlog मैंने छत से ही start किया। मैं आया था पौधों को पानी डालने के लिए क्योंकि पौधे पूरे मेरे मुरझा गए हैं। वैसे तो ये responsibility मामा पापा की है लेकिन आजकल वो लोग मसरूफ़ चल रहे हैं तो मैंने सोचा मैं डाल लूँगा। लेकिन हाँ, तो भाई आज का जो vlog है बहुत स्पेशल vlog होने वाला है। तो उससे पहले सब लोगों को चाहिए कि सब सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को 100 के तक पहुंचाएं। यस, चलो नीचे चले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नो वन इज हियर, आई एम अलोन गाइस। मैं जा रहा हूँ आपकी भाभी को और उसको लेके आऊँगा यहाँ पे क्योंकि वो यहीं आके रेडी हो गए, यहीं से निकलेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि आप लोग पूछ रहे हो कि मैं इतना खर्चा कैसे करता हूँ, इतना पैसे कैसे कमाता हूँ। तो लोगों को बायनोम ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पे मैं ट्रेडिंग करके इतने छोटे मोटे खर्चे निकाल लेता हूँ। और तुम लोगों को भी मैं बताता हूँ, यहाँ पे अभी चल रही है वर्ल्ड ट्रेडिंग चैंपियनशिप, तो यहाँ पे तुम लोग जीत सकते हो बहुत सारे रिवॉर्ड, बहुत सारे गिफ्ट्स और टेस्ला। तो किस बात का वेट है यार, जल्दी से आओ, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपने बायोम ऐप डाउनलोड करना है। तो आपके सामने इस तरीके का डिस्प्ले आ जाएगा। डिस्प्ले आने के बाद आप लोग जाएंगे यहाँ WTC में। यहाँ जाने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, वर्ल्ड ट्रेडिंग कप 2023 लिखा है जो कि 4 दिसंबर से शुरू हो चुका है। फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। दो ऑप्शन ये आ गए हैं नीचे, स्प्रिंग 3 एंड 50 डेली, ठीक है। तो गाइस, इन दोनों में हिस्सा लेके आप बाय पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इवेंट में टॉप 20 आने वालों को ये रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और ट्रेडिंग करना इसमें और भी आसान है। ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसका यूज करके आप अपने ट्रेड्स को और भी आसान कर सकते हो। आपने अपना ग्राफ देख के प्रिडिक्ट करना है कि अब जाएगा या डाउन। ये तमाम ट्रेड्स आपने अपने रियल अकाउंट में करनी है। मेजोरिटी कह रही है कि ये नीचे आएगा तो अब हम लगाएंगे डाउन पे पैसा। फाइनली गाइस, हमारी ट्रेड हुई सक्सेसफुल और हमें हुआ प्रॉफिट। तो गाइस, इस इवेंट में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेके बाइनेंस पॉइंट कमाएं क्योंकि यहाँ पे टॉप 20 लोगों के दरमियान कंपटीशन होगा और जो लोग फाइनलिस्ट होंगे उसको टेस्ला मिलेगी। यहाँ पे पैसा विड्रॉ और डिपॉजिट करने के बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने पेज आ चुका है, जैसे कि बैंक ट्रांसफर, कैश माल, बाइनेंस पे। इसे भाग के जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें, उसको डाउनलोड करें और डिपॉजिट करने से पहले दिए गए प्रोमो कोड को यूज कर लीजिएगा, इससे आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ चैंपियनशिप में हिस्सा लो, इससे तुम्हें गिफ्ट, रिवॉर्ड और टेस्ला मिलेगी। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाएं और मैंने जो प्रोसेस समझाया ये करें और मैं भी जाता हूँ। फाइनली मैं मलाइका को लेके आ गया और आज का ब्लॉग बहुत एक्साइटेड एंड इंटरेस्टिंग है, सो डोंट मिस इट। फाइनली गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी और मैं जा रहा हूँ वेन्यू पे क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके सेटिंग देखनी, सेटअप कैसा लगा सब कुछ मुझे वहाँ मैनेज करना है जाके। तो हम पहले जा रहे हैं, मैंने दोस्त को कॉल कर लिया, केक शेक सब लेता हुआ वहाँ पहुँचूंगा। और यहाँ पे हमारे पापा भी रेडी हो चुके हैं तो पापा से ही मिलवा देता हूँ। पापा तो क्या सीन है फिर, बस चलने की तैयारी है। पापा सबको लेके पहुँच रहे हैं, मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ डेकोरेशन वगैरह क्या सेटिंग लगी है। रेडी हो तुम? जी नहीं भाई। अच्छा, अभी रेडी नहीं हुई? तो रेडी हो जाओ, जल्दी रेडी हो जाओ अभी तुम। बाकी यार तुम रेडी लगनी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? और कहाँ जाने की तैयारी है? आपने बुलाया ना? अच्छा, मैंने आपको भी बुलाया है, तो तैयार नहीं हो रही आप? मैं भी रेडी, पापा भी रेडी ना, और मलाइका कहीं गए हुए हैं, ये लोग आएंगे, इससे पहले हो सकता है मैं कहीं चला जाऊँगा। तो इन लोगों को डायरेक्ट आप वेन्यू पे ही आप लोगों से मिलवाऊंगा। तो मैं निकलता हूँ चॉकलेट में, चॉकलेट में। तो गाइस, केक वेक ले लिया हम लोगों ने और मैंने कोट वेयर कर लिया क्योंकि सर्दी बहुत है। सलाम वालेकुम, ऑल गुड, आई एम फाइन, माशाल्लाह यार बहुत प्यारा लग रहा है मेरा भाई। थैंक यू मलाइका के लिए, तो सबको सरप्राइज सा होगा, मेरा एक अलग सा सेटअप लगवा देता भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सेटअप रेडी नहीं हुआ क्या यार अभी तक? अबे यार दस्ती करो, पता है क्या है, हमारी भाभी भी आने वाली, घर वाले सारे पहुँचने वाले हैं, दस्ती करो। क्या हाल है? ये फोटोग्राफर आ गए लेकिन सेटअप रेडी नहीं हुआ, घर वाले भी पहुंचने वाले हैं। गाइस गाइस, मेरा फुल लुक आप देख सकते हैं, ये है। और अंदर टी शर्ट पहना हुआ था वो मैंने उतार ली क्योंकि वो लुक नहीं दे रही थी, मैं सर्दी की वजह से, बचने की वजह से पहन के आया था, लेकिन अब ये सीन है। बहुत टाइम बाद हैदराबाद में मेरा शूट हो रहा है वरना मैं नहीं करवाता था। बहुत पीछे साउंड भी आ रहा है, ये लड़की पागल है, पागल है। वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर, थोड़ा हंस भी लिया करो बाजी का, भाई शूट चल रहा है, शूट। तो गाइस, मेरा सोलो शूट हो चुका है और मैं वेट कर रहा हूँ मलाइका लोगों का, कब तक आएंगे वो लोग, अभी तक आए नहीं है, कब आएंगे यार, आई एम वेरी एक्साइटेड। और मैंने
दिल से ही सेटअप किया है पूरा सेपरेट, आप लोग देख सकते हो ये रहा वो सेटअप, ब्लर हुआ हुआ था सॉरी गाइस। मेरी फैमिली आ चुकी है, वो देखे हैं पापा मम्मा सकीना सब लोग आ गए, ये लोग ऐसे देख रहे हैं। सरप्राइज है, अब देखो क्या होता है, मलाइका आती है देखते हैं उसकी एक्साइटमेंट क्या है या नहीं है। जो भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम। मैं जैकेट पहन ली मेरी, अच्छा लगा तुम्हें अरेंजमेंट। हाँ तुम्हारे लिए चीज भी है, रुको दिस इज फॉर यू मलाइका, यू वेलकम। तुम्हारी इतना खूबसूरत नहीं है लेकिन यू डिजर्व दिस। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हम तैयार हैं, शूज अपने अच्छे लग रहे हैं ना, बोला वो चपड़ चपड़ करे जा रही हो ना तुम। मैं दिखा रही हूँ कि वैसे कितनी प्यारी लग रही है। मैंने ये बताया गाइस को कि ये जैकेट भाई की है और मैंने ये भाई को देने के लिए पहनी थी, लेकिन अब मेरा माइंड बदल चुका है बिकॉज यहाँ पे बहुत सर्दी है और अब ये भाई को नहीं देंगे। और ये बर्थडे गर्ल है हमारी जो कि बहुत हसीन लग रही है एज यूजुअल। और ये हमारे बर्थडे गर्ल के जो है हस्बैंड हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी तो मलाइका के लिए सरप्राइज भी है जो मेन है, मेन सबसे ज्यादा। हाँ, मैं भी बहुत प्यारी लग रही होगी ना, मतलब उनका है ना, हम दोनों बहुत प्यारे। और कमेंट आया कि हम दोनों बहुत ट्विंस लगते हैं। ट्विंस है, अब आप सब बताएं कि हम दोनों ट्विंस लगते हैं। कहाँ से लगते हैं, हम लोग नहीं लगते। और अगर लगते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। लगा सेटअप बहुत हसीन, थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक। पापा आपको कैसे लगा? बहुत, क्या बात है, थैंक यू। है कि मैं आज क्या गिफ्ट देने वाला हूँ, क्या हो गया डर के लिए क्या गिफ्ट देने वाला हूँ गाइस को ऐसा लग रहा है बदल लेके आ गया मुझे पता है फूल, यही तो बात है। अभी आप देखिएगा दोनों एंजॉयमेंट में वो लगते हैं, ये सुन हो चुके हैं बिल्कुल। यार सर्दी वाकई बहुत है और रात का टाइम हो रहा है, यहाँ पे पूरा खुला हुआ है। शर्मा रही है मेरी वाइफ भाई, इस मेरी वाइफ की खुशी है और मैं चाहता हूँ वो पूरा एंजॉय करे, वो खुश है तो मैं भी उसकी खुशी में खुश हूँ। अगर हम करने आ रहे होंगे ना तो हमें काट दिएगा पहले वाले में। तुम लोगों को और काला कर दूंगा मैं। मम्मा नेचुरली इतने प्यारे आ रहे हैं ना, देखे मैं कैसा आ रहा हूँ, मैं हूँ ही ऐसा खूबसूरत भाई। इतना क्यों शर्मा रहा है मामले में, मुझे नहीं पता लगता मेरे बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ कि कपल शूट होना आसान बात नहीं है, इससे मुझे आइडिया हो चुका है भाई। आज निका वाली वाइब आएगी। ड्रामा चल रहा है तेरे भाई की, एक्टिंग करेक्टर में हूँ मैं, करेक्टर से बाहर नहीं आना है। सोनाक्षी वाली एक्टिंग करनी है, कौन सी? Yes. यार मेरी वाइफ सोनाक्षी सुना लगती है मुझे सच में। चलो भाई परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका है, वैसे ही इंस्टाग्राम की नहीं रील्स बन रही है। गॉड गाइस सो ब्यूटीफुल, यार क्या मूवमेंट होते हैं ये, लाइक सीरियसली, मतलब हस्बैंड और वाइफ के लिए बड़े प्यारे मूवमेंट होते हैं ना। ये देखें ऊपर से मम्मा भी देख रही हैं और सकीना है आई थिंक और पापा हैं, वो सारे उधर खड़े हैं। कमाल माशाल्लाह गाइस, माशाल्लाह ज़रूर लिखना है आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में चाहिए। वैसे यार वल्ला गाइस माशाल्लाह भी लिख दिया करे ये भाई का, आपने भी इसी तरीके से ख्याल रखना है, बता रहा हूँ मैं। देख रहे हो ऊपर से, दादा नहीं बोल। नहीं नहीं पापा कुछ नहीं कहेंगे वैसे। तो मलाइका आर यू हैप्पी और नॉट, अभी तुम्हारे लिए जो स्पेशल गिफ्ट है ना गाइस, वो मैंने मलाइका को अभी तक नहीं बताया, वो बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूँ। उन्होंने तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि मेरे बर्थडे का हाँ हो रहा है। बातों बातों में आगे आ गया, हमें यहाँ जाना है। बातों बातों में झूले, ये बच्चे झूलते हैं यार, निका हो गया। मैं तो बच्ची हूँ ना यार। किसके लिए लेके आया तेरा मेरे भाई? तेरी भाभी को दिया था, उसने वापस दे दिया। नहीं नहीं वापस ऐसा हो नहीं सकता, एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, पिक्चर खिंचवा लो पहले, बाद में बातें करेंगे। माय गॉड फैन मूवमेंट चल रहा है तहरान के अंदर, देखो पिक्चर्स ले, दिखा नहीं सकता था क्योंकि कोई अलाउ नहीं करे आज की वजह। मैंने अच्छी बात है नहीं दिखाया, नहीं अच्छी बात है ना, मैंने बोला यार किसी को अच्छा लगे ना लगे ब्लॉग में लेना, तो इसकी वजह से क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को? अब तो आदत सी हो जाएगी मुझको ऐसे जीने की। वल्ला सो ब्यूटीफुल, यहाँ घूमेगा यार, देखो निकाह से पहले घुमाया था ना तो बिना हाथ पकड़े घुमाया।
उसके बाद तो भाई प्रेशर ही अलग है, पता ही नहीं है खुद ब खुद कुछ भी हो रहा है। मोमेंट अलग होती है भाई, वो फीलिंग्स अलग होती है। मलाइका का 18 बर्थडे और सेटअप लग चुका है प्रॉपर। 18 की होने वाली हो पर चल रही हो ना, तुम्हारा NIC बनवाना है? हाँ चले, बस चलते हैं कल या परसों तुम्हारा NIC बनवाने चलते हैं, फिर सबको यकीन आ जाएगा। हो सकता है फिर भी ना आए लोग, तो फिर भी बोलेंगे 26 साल की लगती है भाई। अब आए या नहीं आए, अब जो एक्चुअल है वो तो है ना। नहीं भी करो यकीन यार, देखो अब हम लोग ट्रस्ट तो नहीं दिलाएंगे ना, नहीं करे तो नहीं करो, क्योंकि देखो हम मुतमईन है, हमें पता है आप लोग नहीं हो तो खैर कोई बात नहीं। आप उदास लग रही थी मुझे। ओहो माय भाई, मैं उदास होके भी उदास नहीं लगती, आप है ना साथ। बस मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। कपल पोज मारने की कोशिश, मुझे और मलाइका को कॉपी करने की सस्ती कोशिश, और रुमैसा ऐसा तायरान मलाइका, और सकीना ऐसा मलाइका। वेरी नाइस। सर्दी लग रही है मलाइका को? यार गाइस मैं कोट उतार के दे दूं, तुम बोलो। आज हैदराबाद में हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि आज मेरा बर्थडे। फाइनली यार, खैर हैप्पी बर्थडे टू यू यार, तुम्हें मैंने विश नहीं किया। 12 नहीं बजे ना अभी असल में? अभी 12 नहीं बजे गाइस, यकीन करो बच जाएंगे। अभी 11 बज रहे हैं, एक घंटे बाद बर्थडे, और हम करेंगे आज ही 12 बजे बर्थडे। और फोटोग्राफर पापा मम्मा को गाइड करते हुए कि भाई ऐसे कपल पोजेस होते हैं। भाईजान मेरे अम्मा अब्बा ने 25 साल गुजार दिए जिंदगी की, उनको मत से कहा, मैंने 26 साल गुजार दी जिंदगी। ऐसे स्माइल रखें। चलो भाई सब लोग आ जाओ। पहली दफा 18 की हो गई, पहली दफा मलाइका 18 की हो गई। भाईजान अच्छे क्लिक लेना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 18 जलेगा तो दिखेगा भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मलाइका, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ वाओ, हैप्पी बर्थडे गाइस, फाइनली बर्थडे हो चुकी है, 18 की हो गई है, 12 बज चुके थे। पापा को खिलाओ, पापा को भी खिलाओ। लाइका के लिए एक सरप्राइज है स्पेशल, मैं सोच रहा हूँ वो दे दूँ, मुझे दे दें फिर, वो जो बनवाई थी हमने दे देना चाहिए। हाँ मैंने एक रिंग बनवाई है तो मैं देना चाहता हूँ लाइका, मुझे वहाँ से फिर उठा के लेकर आते हैं। आ जा, चलो आ जा। भारी है क्या, दोनों उठाने जा रहे हैं? उसका वजन बहुत भारी है, ज़्यादा भारी है। बताया तो नहीं ना मम्मा के ओरिजिन? नहीं नहीं मम्मा वगैरह किसी को भी नहीं बताना, चला जाए। यही तो स्पेशल गाइस, यही तो स्पेशल। क्या है ऐसा, क्या छुपा रहा है मेरा भाई? ओ दिखाऊं, ये देख, ओ माशाल्लाह, ये स्पेशली भाभी के लिए लिए दायरान ने गोल्ड की रिंग, और बर्थडे पे बनवाई है। सॉरी सॉरी, चलो 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 चलते हैं। इसमें तेरे भाई की आधी जान है। द वेट इज ओवर नाउ, मलाइका कम हियर। और ये रिंग मैं मलाइका को देने जा रहा हूं। ओ रिंग इतनी प्यारी है ना। क्लैपिंग क्लैपिंग गाइस, लाइका के फर्स्ट बर्थडे ना, वो मलाइका डिजर्व करती है। Finally guys, finally माशाल्लाह। स्पेशल गिफ्ट था जो मैंने छुपा के रखा हुआ था, छोटे मोटे गिफ्ट तो हम लोग देते रहते हैं, लेकिन ये गिफ्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने अभी मलाइका को दिया है। और अब ये कि ऑर्डर करते हैं, सबसे पूछते हैं कि तुम लोग खाने में क्या खाओ? हाँ इसको तो अल्फ्रेडो पास्ता खाना है। अरे ये कहाँ से आ गए? वाह वाह, ऑर्डर देते हैं, इन लोगों का तो फन चलता ही रहेगा। आपको ये लोग यार क्या कर रहे हो यार, ऐसा नहीं करो भाई, हमारे छोटे फॉगी हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मेरे फॉगी में मिल रहे हो, एंड आई लव माय फॉगी यू नो। हाँ हाँ पिक्चर यार, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बोलो लाइक करें, क्या बोल रहे हो? लाइक करें फॉलो करें। क्या बात है यार, ये भी केक खिलाएं यार मुझे भी, चॉकलेट की तरफ से खिलाएं। थैंक यू सो मच मामा, सर्दी लग रही है, गरम गरम स्टैक आ गए। क्या हुआ? कढ़ाई बढ़ाई सारी चीजें आ चुकी हैं, और तुम लोगों ने इंतजार भी नहीं किया भाई और भाभी का, शुरू हो गए। वेरी बैड। जब खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, हम लोग थोड़ी देर के लिए रील्स क्या बनाने गए लोगों ने तो। वाओ यार अमेजिंग। हेलो अमेजिंग भाई, ये रहना अमेजिंग। खाना खा के पूरी फैमिली फ्री हो चुकी है, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रूम में चले यार। नो नीचे झूला झूले बस में भाई, ये लोग हम जा रहे
रेलगाड़ी यार भाई यार हॉरर वाले रूम में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, रूम में जाएंगे हॉरर वाले रूम में ताकि थोड़ी सी गर्माहिश लगे। सही बात है गाइस, सही बात है। हम चाहे कहाँ जा रहे हैं वैसे हम लोग, नीचे नीचे इनको ऊपर सर्दी लग रही है गाइस, हम लोग अब जा रहे हैं नीचे। भाई ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आप लोग बैठो मैं और पापा यहाँ खड़े होते हैं। अभी हम लोगों की ट्रेन निकल गई है और पीछे वाले डब्बे में मम्मा और वैसा है और यहाँ मलाइका, यहाँ मैं हूँ सकीना अलग। खैर कोई बात है, अभी हम निकल गए। वाह चल मेरी गाड़ी छुक्का छुक, पापा वहाँ खड़े हुए। स्टेशन आ गया, बहुत मजेदार ना गाइस, सर्दी बहुत खतरनाक हो रही है सच में, बहुत मजा आ रहा है, लबे शीरी सा लग रही है। लग रही है, लग रही है। चलो भाई पिंडी पहुंचो, पिंडी आ रहा हूँ, इस्लामाबाद पहुंचो, इस्लामाबाद आ रहा हूँ। गाइस बहुत मजा आ रही है यार, जितना ही रेस्टोरेंट हमने पैदल नहीं घूमा उतना इन्होंने ट्रेन में घुमा दिया। लग रही है गाइस, है ना, सच में लग रही है। ओए क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ओके चलो भाई उतरो, माई वाइफ प्लीज उतरे, सकीना उतर भी गई, हम भी उतरते हैं। मजा आ गया सच में गाइस, कोई भूत भूत बस बहुत है। नो मलाइका हैप्पी बर्थडे टू यू, माशाल्लाह अल्लाह मोहब्बत कायम रखे, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी पार्टी, यू वेलकम, ओह ऑलवेज देयर फॉर यू यार, ऑलवेज देयर फॉर यू। हां तो ये पहले ही बताओ, पहले वाला बर्थडे अच्छा था या अब वाला बर्थडे ज्यादा अच्छा है? दोनों बहुत ज्यादा। नहीं एक बताओ ना, पहले ज्यादा अच्छा था यार, अब वाला ज्यादा अच्छा? पक्का गाइस मलाइका का अब वाला बर्थडे बोल रहा हूं, बर्थडे अब वाला ज्यादा अच्छा लगा है। लेकिन ये कि मैंने दोनों बर्थडे मलाइका के दिल से किए थे और हमेशा हर बर्थडे दिल से ही करता रहूंगा इंशाल्लाह। वो बात पक्की के बाद वाला था, निकाह के बाद वाला, अब शादी के बाद वाला होगा इंशाल्लाह। क्यों पीने का बोल रही है इधर? यार तुम लोगों को तो हद कर रहे हो यार, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर कॉफी कौन पीता है मम्मा? मैं तो कह रही हूँ इतनी मंगा रहा, चलो मलाइका मंगवाते हैं, ऑर्डर ही नहीं की तो आएगी कहाँ से? नहीं असल में पता है क्या, हॉट कॉफी नहीं है, चल कह रहे कोई बात नहीं यार, मुझे जानते हो यार कौन हूँ मैं, दो तीन बार मिले हैं। अरे यार दो साल पहले मिले थे चैन मार्केट में। अच्छा याद है, बिल्कुल याद है यार, आपको याद है मुझे भी गाइस। मगर ये कि उसने बोला हॉट कॉफ़ी नहीं है तो हम लोग कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी रहे क्योंकि सर्दी वैसे ही लग रही है लोगों को। सर्दी है, बात है। क्या कह रही थी कि आपने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि जिसने बर्थडे सही बताई मलाइका की उसका आप कमेंट में नाम व्लॉग में नाम लेंगे, तो इसमें मलाइका की किसी कोई दोस्त है पता नहीं क्या उसने कमेंट किया है, तो लाजमी आप उसका नाम, एक सिद्रा और अलीजा, अलीजा गाइस आप लोगों ने सही गैस किया है बिल्कुल इन दोनों ने, और थैंक यू यार तुम लोगों ने गैस कर लिया, तुम लोगों का नाम मैंने लिया है। और इस तरीके से जो भी बात हो जो सही गैस करेगा उसका नाम मैंने जैसा कि कहा मैं लूँगा तो मैं लूँगा। सो अब ये कि मम्मा लोग ऊपर गए सामान वगैरह उठाने, हम लोगों का जाने का सीन बन गया है, तो अब ये कि चलते हैं यहाँ से। मलाइका और मम्मा तो एक जैसी लग रही है भाई गाइस, और मैंने भी कोट बदल दिया क्योंकि उस कोट में सर्दी लग रही थी, मैंने कहा घर जा रहा तो कोट चेंज करके जाऊँगा। सो गाइस अब चलते हैं, इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा ब्लॉग है और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।